ये 10-11 किलो में आग लगी जी, और गांव नगला जगीर में सतपाल सिंह और लोकेश कुमार और नवाब सिंह और करनैल सिंह के जो 8-10 एकड़ में जिस टाइम 6:30 बजे बिजली छोड़ दी गई पावर हाउस तलाकौर से, तो तूफान उठाया था उसमें से चिंगारी उड़का और वो गिर दी। जबकि इससे पहले भी 31 अक्टूबर ने गन्ने की 1.5 एकड़ फसल हमारी जलकर राख हुई थी और 10-11 किले जले। इसकी भरपाई करने के लिए हम आज आप मतलब मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बात बताना चाह रहे कि हमारा इस चीज का हल कराया जाए। उसके ऊपर सन 66-64 से वो लैंड थी, ये भी 2-2.5 साल 3 से वो सुचल गया गया है, जिसकी वजह से हमारा बार बार नुकसान हो रहा। पिछले साल भी हमारी उस टाइम भूस बनाया था तो किलियों में आग लगी, हमने वो बजा बजू का अपनी फसल बचा ली थी। अब की बार हमने उसमें से कुछ फसल कटी थी और कुछ खड़ी थी सारी, 2.5-3 किले 3 एकड़ के आसपास थे, वो सारे राख हो गए। ये शॉर्ट से लगी है जी, 11,000 वोट ऊपर न जहरी वहां लाइन, उसके ऊपर एक सुचल गया गया जिसकी वजह से लाइन बार बार मारे को मतलब नुकसान पहुंचे। ये बिजली बोर्ड की गलती है जी, इसमें तो जिम्मेदार का 3-4 लाख का तो आसपास है जी, हमारे 3-4 जिम्मेदार हैं हम, 3-4 लाख के आसपास का नुकसान है जी। भूसा के लिए डंगर मरे भूखे मरेंगे और नाज के लिए परी। आग फायर ब्रिगेड गया जी, उसमें वहां से SHO थाना छप्पर भी था वहां मौके पे, और मेरे गांव गुआंढ सारे चढ़े वहां से, 20 ट्रैक्टरों ने वहां से फसल को बचाया है। पीछे फसल भी बही और उसको हेरने बहुत दूर तक मतलब आगे सड़क आएगी जब जाएगा कुछ कंट्रोल कवर पाए, 1.5 से 2 घंटा 1 घंटा मतलब पूरी तूफान था जी जिस टाइम।